हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश मीना। डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ NCERT केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ए वैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, वाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी वैलेंस्ड, मीन्स वैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं और हमें इन्हें वैलेंस क्यों करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सही तरीके से समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दूंगा और उनको मैं वैलेंस भी करके आपको दिखाऊंगा, जिससे आप सही तरीके से समझ पाओगे कि वैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं और हमें वैलेंस क्यों करनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट एग्जांपल इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं लेता हूँ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ओके फ्रेंड्स, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मतलब वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे फॉर्म करेंगे आप वाटर को। तो व्हेन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन गैस जब रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ तो H2O फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट्स, ये केमिकल इक्वेशन है फॉर्मेशन ऑफ वाटर की, जो अनवैलेंस्ड है, ठीक है, और मुझे इस इक्वेशन को वैलेंस्ड करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस एरो के लेफ्ट साइड में जो होते हैं इन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है, और एरो के राइट साइड में जो होते हैं ये प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। एरो के राइट साइड में इन्हें हम प्रोडक्ट बोलते हैं और लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो रिएक्शन करेंगे वो रिएक्टेंट्स हैं, और रिएक्शन होने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलेगा उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये अनवैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको हमें वैलेंस करना है। तो फ्रेंड्स, केमिकल इक्वेशन को वैलेंस करने के लिए हमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल करने होते हैं प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स के, ठीक है। मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके रिएक्टेंट्स में हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो वो वैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, ठीक है। अब हम वन बाई वन, ठीक है, इन एटम्स को इक्वल करेंगे। जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, तो 2 एटम्स हाइड्रोजन के इस साइड भी होने चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, इधर भी 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, ठीक है, तो ये तो इक्वल हैं। अब बात करें ऑक्सीजन की, तो यहाँ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हैं 2, और इधर कितने हैं इस साइड, 1 हैं, ठीक है, तो यहाँ भी हमको ऑक्सीजन के एटम्स 2 करने होंगे, ठीक है, तभी ऑक्सीजन के एटम्स वैलेंस्ड होंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्या है, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है ताकि हम यहाँ पे प्लस ओ कर दें तो यहाँ भी 2 हो जाएंगे और इधर भी 2 है, ऐसे करके इक्वल हम नहीं करेंगे। मतलब कोई भी हमें एटम्स ना तो सब्ट्रैक्ट करना है ना इसमें कोई एटम्स ऐड करना है, बल्कि किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके उनको बैलेंस करना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के 2 हो गए। देखो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई का मतलब है कि ये पूरा ही ट्वाइस हो गया, ठीक है, ये भी ट्वाइस हो गया और ये भी ट्वाइस हो गया, तो यहाँ ऑक्सीजन के एटम्स 2 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन के एटम्स 2 हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारा वैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ अब हाइड्रोजन अनवैलेंस्ड हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स हैं 2, इधर हैं हाइड्रोजन के एटम्स 4, ठीक है, ये 2 थे, 2 में इस 2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये 4 एटम्स हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ भी हमको 4 एटम्स करने होंगे, तो फ्रेंड्स 2 की मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, ठीक है। अब यह नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 4 हैं, ठीक है, 2 की इस 2 में मल्टीप्लाई होगी तो मतलब ये होगा हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पर कितने हैं, 4, इधर भी 4 हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के एटम्स इधर कितने हैं, 2, इधर भी 2 हैं, क्योंकि ये पूरा ट्वाइस है, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 में भी होगी। तो अब ये वैलेंस्ड इक्वेशन है फ्रेंड्स, ठीक है, ये वैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है फॉर्मेशन ऑफ वाटर की,
ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को नंबर ऑफ एटम्स इक्वल करके, ठीक है, बोथ साइड मतलब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट दोनों साइड्स के एटम्स को इक्वल करके हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को विलयज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल मैं और लेता हूँ, जैसे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट कर सकते हैं, मतलब व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा एरो एन ई सी एल सोडियम क्लोराइड एंड विच इज ऑल्सो नोन एज कॉमन साल्ट प्लस H2O। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ क्या ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब इस केमिकल इक्वेशन को हमें विलयज्ड करना है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स इक्वल किए थे दोनों साइड्स में, ऐसे ही यहाँ करेंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं फ्रेंड्स रिएक्टेंट्स में, देखो एक ये रहा और एक ये है, मतलब टू एटम्स हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के, ठीक है। तो टू एटम्स ही इधर होने चाहिए, तो H2 मतलब यहाँ भी टू एटम्स हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। तो हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब बात करें सोडियम की, तो सोडियम हमारे यहाँ पर सिंगल एटम है, यहाँ भी सिंगल है, ठीक है। तो सोडियम भी हमारा विलयज्ड है। ऑक्सीजन कितना यहाँ पर सिंगल है, इधर कितना है, ये भी सिंगल है, ठीक है। ऑक्सीजन भी हमारा विलयज्ड है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्लोरीन कितना है, यहाँ पे सिंगल एटम है, यहाँ भी सिंगल एटम है, ठीक है। ऑल दी एटम्स आर इक्वल, ठीक है, इन केमिकल इक्वेशंस। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंप्लीट विलयज्ड केमिकल इक्वेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल और ले सकते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ, मतलब मेटल हमने आयरन लिया है, तो फेरस क्लोराइड फॉर्म होता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। वन बाई वन फिर ऐसे ही हम इक्वल करेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन सिंगल है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स टू हैं, ठीक है। तो इधर भी हमको टू करने होंगे, टू की मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन टू हो गए, इधर भी टू थे, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस हो गया। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, टू हैं, क्योंकि टू की मल्टीप्लाई इधर हो रही है, तो ये Cl भी क्या है, टू है, इधर भी Cl टू है, ठीक है। मतलब क्लोरीन के एटम्स यहाँ भी टू हैं और इधर भी टू हैं, ठीक है। तो ये वैलेंस है। यहाँ पे आयरन कितना है, सिंगल है, इधर भी सिंगल है, ठीक है। अब ये कंप्लीट वैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, ठीक है। आई होप ये तीनों एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे, और इन एग्जांपल को समझकर आप ये कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, मतलब इसमें कि बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। ये सारे एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके बाद फिर हम बात करते हैं व्हाट इज ए वैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब मैंने एग्जांपल दे के सारे पार्ट्स इसके क्लियर कर दिए, फिर भी थ्योरेटिकल हमको लिखना है यहाँ पे कि कैसे लिखा जाएगा इसको। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने इस क्वेश्चन की थ्योरी मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। ए रिएक्शन विच हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब एक केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें नंबर ऑफ एटम्स कैसे होने चाहिए, इक्वल, ठीक है, दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स के एंड प्रोडक्ट्स के दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ऐसी केमिकल इक्वेशन के लिए हम बोलते हैं विलयज्ड केमिकल इक्वेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, यहाँ हमें ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना होता है। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसका हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास है वो कंजर्व रहता है, ठीक है, उसका कोई भी विनाश नहीं होता, मतलब ना तो वो डिक्रीज होगा ना वो इंक्रीज होगा, ठीक है। जितना हमारा हमने मास रिएक्टेंट्स में लिया था, मतलब केमिकल रिएक्शन जो हम करा रहे थे और जो रिएक्टेंट्स हमने लिए थे उनका जितना मास था उतना ही हमको प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा, ठीक है। जितना रिएक्टेंट है उतना ही हमको प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, ठीक है। ये होता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हैंस
इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट का एंड प्रोडक्ट्स का दोनों का जो मास है वो इक्वल रहना चाहिए. हेंस इट इज फॉर दिस रीजन दैट केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड. ठीक है, हमें कोई भी केमिकल इक्वेशन जब हम करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो उनका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमको देना होता है जिसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. उनमें जो मास होता है वो इक्वल रहना चाहिए. ठीक है, अब ये मास इक्वल कैसे रहता है इसको भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड्स उनको सॉल्व करके बताऊंगा. ठीक है, और आई होप ये आपको सही तरीके से समझ में आएंगे और ये आपका क्वेश्चन सही तरीके से क्लियर हो जाएगा. तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस के साथ तो फॉर्म होता है वाटर. ठीक है, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. बैलेंस करने के लिए हमें 2 की मल्टीप्लाई इधर करनी होती है, ठीक है, और 2 की मल्टीप्लाई इधर करनी होती है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ भी हाइड्रोजन के एटम्स 4 हो गए. ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है और इधर भी 2 है. ठीक है, तो ये कंप्लीट वैलेंस केमिकल इक्वेशन है. तो फ्रेंड्स यहाँ हम इसका मास कैलकुलेट करेंगे. तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पे 2, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पे 2, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, और ये 1 × 2 = 2 हो जाएगा, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ये 32. तो फ्रेंड्स इसका जो टोटल मास आएगा रिएक्टेंट का ये होगा 36 ग्राम. ठीक है, हम ग्राम में मेजर कर रहे हैं, तो ये हो गया 36 ग्राम. कितना हमारे पास रिएक्टेंट, टोटल रिएक्टेंट का जो मास है वो 36 ग्राम है. तो यहाँ प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 एंड 2, 1 × 2 ये 2 हो जाएगा और 16 ये हो जाएगा 18 और 2 × 18 ये हो जाएगा 36 ग्राम. ठीक है फ्रेंड्स, यही हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया है इस केमिकल इक्वेशन में. ठीक है, और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था कि रिएक्टेंट का मास एंड प्रोडक्ट का मास, ठीक है, शुड बी इक्वल, दोनों इक्वल होने चाहिए. ठीक है, वही कंप्लीट केमिकल इक्वेशन होती है. ठीक है, वही केमिकल वैलेंस इक्वेशन मानी जाएगी हमारी. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लें फ्रेंड्स, ठीक है, मैं इतने सारे एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन में आपका कोई डाउट ना रहे, सही तरीके से क्लियर हो जाए. व्हेन नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया गैस. ठीक है, जब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो अमोनिया फॉर्म होती है. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये अभी केमिकल इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड है. ठीक है, हमको बैलेंस करनी होगी. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हैं, इधर 1 है, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गए, इधर भी नाइट्रोजन 2 है. ठीक है, तो नाइट्रोजन तो हमारा वैलेंस हो गया. नेक्स्ट हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 2 है, इधर 6 है. ठीक है, देखो यहाँ पे H3 है, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा. अब यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, 3 × 2 = 6 हो गए, यहाँ 2 × 3 = 6, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 6 हैं प्रोडक्ट में भी एंड रिएक्टेंट्स में भी. नाइट्रोजन भी इक्वल है, यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 है. ठीक है, अभी हमारी कंप्लीट वैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी. अभी इसका मास कैलकुलेट करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है फ्रेंड्स 14, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं. 3 × हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स हैं 2, तो यहाँ हो जाएगा ये 28 और यहाँ हो जाएगा 6, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34 ग्राम. ठीक है, ये रिएक्टेंट्स का मास कैलकुलेट हुआ है. अब प्रोडक्ट्स का करें तो नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं. ठीक है, जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने से ही मल्टीप्लाई हमको करनी होती है. तो ये 14 और 3 ये हो जाएगा 17 और 2 × 17 हो जाएगा 34 ग्राम.
ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों का जो मास है वो 34 ग्राम हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, कंप्लीट वैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमने यहाँ पे फॉलो किया है, ठीक है। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट दोनों का मास इक्वल हुआ है 34 ग्राम 34 ग्राम। ऐसे ही उस वाले एग्जांपल में भी यहाँ पे 36 ग्राम रिएक्टेंट का मास था और यहाँ भी 36 ग्राम, ठीक है। ऐसी इक्वेशंस के लिए हम बोलते हैं वैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और फ्रेंड्स एक बात और बता दूँ आपके लिए, केमिस्ट्री में जितनी सारी आप केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे सभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती हैं, ठीक है। और कहीं अगर नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स के एंड प्रोडक्ट्स के अगर अनइक्वल हैं, वो इक्वल नहीं है, तो वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, ठीक है।